प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही ये ऐलान किया है कि देश भर में 21 जून के बाद सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुफ्त वैक्सीन तब लगाई जाएगी जब वैक्सीन होगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच अब अंबाला में भी वैक्सीन की किल्लत खुलकर सामने आने लगी है। इस बात की गवाही वैक्सीनेशन सेंटर पर पसरा हुआ सन्नाटा दे रहा है। अंबाला के आईटीआई वैक्सीनेशन सेंटर का आज हमने जायजा लिया, जहां पर सन्नाटा पसरा मिला। जहां पर एक वक्त लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती थी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आज वहां पर इक्का दुक्का लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे। और जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे थे वो भी वैक्सीन की कमी के चलते वापिस लौटते नजर आए। मेरा नाम सज्जन सिंह है। आज सेकेंड वैक्सीनेशन लगवाना आया था, वो उपलब्ध न होने का कारण नहीं लग पाई। वो कह रहे आज उपलब्ध नहीं है, दोबारा फिर आएंगे तब लगेगी। वैक्सीन नहीं लगी है, मैं पहले भी एक बार आया था वैक्सीन के लिए, तो आज भी आए हैं। दोबारा मैं रहता हूँ बाहर कहीं, तो मेरा होम टाउन अंबाला है, तो वैक्सीन लगवाने आया था स्पेशल में। आज ही मैंने छुट्टी ले रखी थी वैक्सीन के लिए, तो आज यहाँ वैक्सीन मेरे को मिली नहीं है। कह रहे कि 18 से 45 साल के बंदे को वैक्सीन नहीं लग रही, और वैक्सीन के पास है भी नहीं। तो मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, दोबारा मेरे को पेड करना पड़ेगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था मैं, आईटीआई में इंजेक्शन लग रहे थे इसी कोविड के, तो भी मेरे को यहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हुआ। मैम मेरा नाम आशीष गोयल है। नहीं मैम, वैक्सीन अभी ख़त्म है, बाकी इसके लिए मैं कल आऊँगा। वैक्सीनेशन सेंटर इंचार्ज ने भी माना कि वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनके पास कोवैक्सीन की एक भी डोज नहीं आ रही, जिसके चलते कोवैक्सीन लगवाने आए लोगों को वापस भेज रहे हैं। इंचार्ज ने बताया कि आज सिर्फ 45 प्लस को ही कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। आज मेरे पास यहाँ पे 45 प्लस का सेशन चल रहा है, और 18 to 44 आज नहीं चल रहा, आज उपलब्ध नहीं है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन आज लगाई जा रही है? आज मेरे पास 45 प्लस के लिए कोविशील्ड है, कोवैक्सीन इस टाइम मेरे सेंटर में अवेलेबल नहीं है। नहीं, मेरे पास 2-3 दिन से कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट आईटीआई में। अंबाला में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जितनी भी वैक्सीन सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है उतनी वैक्सीनेशन सेंटर को सौंप दी जाती है। देखिए, वैक्सीन की हमारे पास पूरी तरह से कमी नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी हमारे पास सरकार की तरफ से सप्लाई आ रही है, हम उतनी अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसी हिसाब से हम जो बेनिफिशियरीज को बुला रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का सपना कैसे पूरा होगा, या उसको जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आए और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।